हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है UFS का, जो कि ओप्पो A5 2020 का मॉडल है, जो कि इसमें UFS 2.1 का लगा हुआ रहता है, 2.1 या 2.2 का इसमें UFS वर्जन लगा हुआ है। तो ये हमारे पास आज एक अनलॉकिंग के लिए आया है, तो इसको कैसे हमें अनलॉक करना है, किस तरह करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। जैसे कि ओप्पो A5 के अंदर दो मॉडल आता है, एक आता है EMMC आता है और एक आता है UFS। तो आपको कैसे पता चलेगा ये UFS है या EMMC? तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, फोन ऑन करके सबसे पहले इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है, सबसे पहले आपको वो बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे ऑन हो रहा है हमारा ओप्पो, तो ऑन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये UFS है या EMMC है। तो दोनों में आपको ये इजीली समझ में आएगा कैसे इसे समझना है ट्रिक। बहुत सारे लोग समझते ओप्पो A5 ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, ISP से होता है, नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको समझना है सारी चीजें। तो सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे फोन ऑन हो गया है और यहाँ आप देख सकते हैं फोन लॉक्स बता रहा है, जो कि यहाँ पे पैटर्न लॉक के लिए फोन अटका हुआ है, जो कि अनलॉक करना है। तो यहाँ पे ये अनलॉक करना है, तो सबसे पहले यहाँ इमरजेंसी कॉल पे जाएंगे हम, सबसे पहले इसका मॉडल देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक टाइप करना है *S899#। तो यहाँ पे आपका एक इंजीनियरिंग मोड में ऑन होता है फोन, और वहां से आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन में आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक मॉडल नंबर आपको लिखेगा CPH1933, ठीक है। तो ये CPH1933 आपका UFS होता है, अगर अगर यहाँ पे EMMC अगर होगा तो वहां पे आएगा CPH1931, मतलब 31 और 33, ये दो मॉडल आते हैं। तो एक आएगा EMMC जो कि CPH1931 होगा, जो कि हम UFI से भी अनलॉक कर सकते हैं, जो कि हमारा CMD, CLK, डाटा जीरो, ये VCC, VCCQ, ये सारे लाइन्स होते हैं उसमें। लेकिन UFS के अंदर ये वाले लाइन्स नहीं होते, इसमें TX, OP, TX, RM, RX, OP, RX, ON आता है, जो कि इसमें UFS में आता है। तो हमें इसको CPU को स्क्रैच करके निकालना होता है ISP जम्पर। तो हम यहाँ पे CPU वगैरह स्क्रैच नहीं करेंगे, हम सिंपली इसका UFS निकाल के डायरेक्टली अनलॉक करेंगे, क्योंकि इजी वे हमें इजी वे में काम करना है। CPH वगैरह करने में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हैंड स्किल नहीं होता है, ट्रिक नहीं होती है करना, कहाँ पे स्क्रैच करना है, कहाँ नहीं करना है, तो वो क्या कर लेते हैं, CPU को ज़्यादा स्क्रैच करके CPU को ही डेट कर देते हैं। तो इतना रिस्क वाला काम नहीं करना है, जितना इजी में हम बताएंगे उतना इजी में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका UFS निकालेंगे और आपको इजी अटैक के UFS से हम इसको ये UFS अडाप्टर से अनलॉक करके बताएंगे कैसे अनलॉक करना है। तो आप बने रहे आगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसका UFS निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बोर्ड स्टैंड में लगा दिए और यहाँ पे हम इसका निकालेंगे UFS। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैंड में लगा के उसको अच्छे से फिट कर लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक UFS लग के, सैमसंग का UFS लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हम सबसे पहले UFS को निकाल के क्लीन करेंगे, रिवॉल्व करके फिर उसको अनलॉकिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लीनिंग भी बताएंगे किस तरह UFS निकालना है और कितने टेम्परेचर में हम इसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे सब मेजरमेंट बताएंगे। तो यहाँ पे 360 में रखा हुआ है और यहाँ पे हम निकालेंगे UFS। सबसे पहले तो साइड ग्लू कट करना होता है, जो साइड में जो पेस्ट होता है, तो हम उसको कट करते हैं। तो यहाँ पे इसको 260 में रख के हम उसको कट करते हैं सबसे पहले साइड ग्लू, उसके बाद हम UFS को निकालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे ये ग्लू साइड का कट हो रहा है। तो ये जो ग्लू कट करना होता है, ये देखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन इसको भी बहुत प्रॉपरली कट करना होता है, क्योंकि ये जो ब्लेड होता है हमारा शार्प होता है, और हम इसे जब कट करते हैं तो ये ज़्यादा अगर नीचे तक कट कर लेंगे तो नीचे की लेयर कट हो जाती है।
तो हमें ऐसा कट करना है कि बस हमारा सिर्फ ग्लू कट होना चाहिए और आपको वो पता होना चाहिए कि ग्लू है हमारा कहाँ तक कट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप जोर से ताकत लगा के प्रेशर से उसको काम कर रहे हो और नीचे तक कट कर रहे हो तो नीचे लेयर में भी आपका क्रैश हो जाता है, नीचे की लाइन ब्रेक हो जाती है। तो आपको ये बहुत सॉफ्टली करना होता है। तो ये सारे ट्रिक हम यहाँ पे भी स्टूडेंट को ये बहुत इजी में बताते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो में देखने में और यहाँ पे लाइव करने में बहुत डिफरेंस होता है। हम यहाँ पे स्टूडेंट को हाथ पकड़ के बताते हैं कि किस तरह करना होता है ये सारी चीज़ें। तो आपको भी यहाँ अगर आपको भी अगर इस तरह से ट्रिक सीखना है, अनलॉकिंग करना है या आपको हैंड स्किल करना है, तो आपको यहाँ पे आना होगा सीट बुक करके। आपको स्क्रीन पे नंबर मिलेगा तो आप यहाँ पे सीट बुक कर सकते हैं हमारे पास, जो कि हमारा 27 मई का अभी जो बुकिंग चल रहा है। तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, नीचे दिए स्क्रीन पे जो नंबर है आप वहाँ पे फ़ोन करके व्हाट्सअप करके आप वहाँ से और डिटेल्स ले सकते हैं, जो कि आपको और कुछ पूछना है जैसा कि हार्डवेयर में क्या सिखाते हैं और क्या क्या हमारे पास स्कैमेटिक कितना दिन का कितना सिखाते हैं और कितने दिन का क्लास होता है। योफेस में एमएमसी में प्रोग्रामिंग करना, अनलॉकिंग करना है, एमएमसी चेंज करना, बाकी सारे जो भी हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस में सिखाते हैं सारे चीज़ें आपको नीचे नंबर दिए हुए नंबर पे आपको और डिटेल्स मिली जाएगी। तो जैसे कि अभी यहाँ पे ग्लू कट हो गया और यहाँ पे हमने 360 पे टेम्परेचर रख के इसको हम निकाल रहे हैं योफेस को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली, और यहाँ पे योफेस निकल गया, कितना इजी में निकल गया आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इतना टाइमिंग में हमें निकालना होता है, जैसे कि इसका टाइमिंग भी होता है, लोग इसको एक एक मिनट तक हीट करते रहते हैं। जैसे कि योफेस को और ये जो हमारे जो आईसी होते बड़े वाले, इसको ज़्यादा हीट नहीं करना होता है, इसको कितने टाइम में हमें निकालना होता है उसका टाइमिंग भी होता है। अगर आप दो मिनट तक एक मिनट तक अगर हीट कर रहे तो हमारा आईसी ख़राब होने के चांसेस भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं 20 सेकेंड के अंदर ही हमने इसको योफेस को निकाल दिया। तो इतने टाइमिंग में हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या इसका इसके पीछे है, हम उसको ट्रिक आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये योफेस को क्लीन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी के बॉल्स बना हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे, साथ ही साथ उसका जो ग्लू भी एक्स्ट्रा जो ग्लू होता है उसको भी हम क्लीन करेंगे। तो ये हम सबसे पहले फ्लक्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि फ्लक्स अप्लाई करने के बाद जो बॉल होते हैं हमें जो इसको जब क्लीन करेंगे तो ये इसका डाउन मेल्टिंग हो जाएगा और इजी वे में क्लीनिंग में भी आपको आसानी हो जाएगी क्लीन करने में। जैसे कि हमने यहाँ पे पूरा बॉल को क्लीन कर दिया है शोल्डर से, और जैसे कि आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि हम जब भी आईसी कोई भी आईसी निकाल रहे हैं, जैसे कि अभी योफेस निकाले तो हमने सीपीयू को कवर नहीं किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको शील्ड लगा के रखते हैं या कुछ ना कुछ उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कोई एक टेप लगा देते हैं या कोई $5 भी रख देता है, इस तरह के ऐसे जो काम करते हैं मार्केट में आप देखते होंगे। तो ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे सामने देख रहा है कि हमने ऐसे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाया, क्योंकि हमें वो टेक्निक पता है कैसे निकालना है विदाउट कोई प्रोटेक्शन, सीपीयू को बचा के हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके। तो ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इजीली बताते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे हम डिसोल्डिंग से क्लीनिंग कर लेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम इसको ग्लू को जो ब्लैक पेस्ट जो बचा हुआ है होता है उसको हम बाद में इसके बाद क्लीनिंग करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट हो गया हमारा, और हम यहाँ पे ग्लू जो हमारा ब्लैक पेस्ट जो एक्स्ट्रा है
अब उसको हम क्लीन करेंगे इजीली। और जैसे कि ब्लेड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सर्जिकल ब्लेड, तो यहाँ पे कैसे यूज़ करना है और बिना ट्रैक डैमेज करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जब ब्लेड चलाते हैं तो नीचे के पैड्स भी उसको डैमेज कर देते हैं, उखाड़ देते हैं, कुछ लाइन को मिस कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को नहीं आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने इजी में हमारा यहाँ पे ग्लू साफ़ हो रहा है। आप देख सकते हैं इतनी स्पीड से भी हो रहा है और एकदम इजी वे में भी हो रहा है। बहुत सारे लोग को ये नहीं आता है, तो हम यहाँ पे ये सारे ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, हार्ड ग्लू पेस्टेड, ये सारे चीज़ें हम डबल डिक्कर वगैरह बहुत इजी में सिखाते हैं। सब इजी में क्लीन करना और फिक्स करना, रिमूव करना, कितने टेम्परेचर में बिठाना है, कितने टेम्परेचर में निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव आधे से ज़्यादा हमारा ग्लू क्लीन भी हो गया है। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत प्रेशर से कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्टली काम हो रहा है। देखने में ऐसे लग रहा होगा कि आप बहुत इसको रफली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इतना रफ नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा बोर्ड क्लीन हो गया, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा वापस से क्लीन करेंगे और इसके बाद हम यूएफएस को क्लीन करके रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद हम उसको बॉक्स में लगा के अनलॉक करेंगे लाइव। हम यहाँ पे यूएफएस को अच्छे से क्लीन करेंगे।
तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आईसी रिबॉल हो गई है पूरी कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बॉल हो गए और सबसे पहले हम यहाँ पे यूएफएस के अडेप्टर में इसको लगा के हम बॉक्स में डिटेक्ट कर लेंगे आईसी को। तो जैसे कि यहाँ पे आईसी हमने लगा दिए नोज कट पॉइंट के हिसाब से और यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे इजी जड़ा के बॉक्स से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉक्स कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सिंपली हम ओपन करेंगे टूल ZTX का EFM टूल और यहाँ से हम करेंगे अनलॉकिंग। तो जैसे कि ओप्पो के अंदर आप विदाउट डाटा लॉस भी अनलॉक कर सकते हैं। विदाउट डाटा लॉस अनलॉक करने के लिए इसमें मतलब पूरा डाटा नहीं आपका सेव नहीं होता, सिर्फ इसमें गैलरी वगैरह आपका फोटोज एंड वीडियोज इसमें सेव होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो गया, सबसे पहले मैं यहाँ पे सोर्स में UFS को सिलेक्ट कर लूंगा जो कि हमारा UFS है। अगर MMC होता तो हम यहाँ पे MMC सेलेक्ट कर लेते। अब यहाँ पे हम UFS को ले लेंगे। उसके बाद इसके UFS वोल्टेज में हम ऑलरेडी यहाँ पे लो पे रखा हुआ है और UFS सेफ मोड में ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे आएंगे और कनेक्ट टू EasyZTEC UFS पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि वेट करना होता है कुछ टाइम, इसमें 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड भी लग जाता है UFS में डिटेक्ट करने में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ है।
जैसे अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया डिटेक्ट करना, तो कुछ लोग समझते हैं कि आईसी खराब है कि क्या है जो कि डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो यूएफएस के अंदर आपको पेशेंस रख के काम करना होता है। ये अभी भी पूरा डिटेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ तक ही आधा डिटेक्ट हुआ है, अभी भी यहाँ देख रहे हो कि प्लीज वेट, रुकना है आपको, रीडिंग हो रहा है। जब आपको नीचे आएगा ऑपरेशन डन लिख के, तब आपको समझना है ये हमारा पूरा पूरा आईसी डिटेक्ट कर गया है। अभी भी ये पूरा डिटेक्ट नहीं हुआ है, वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो वार्निंग डिवाइस ब्लॉक बाय FRP, जो कि आपको यहाँ पे भी दिखाता है आईसी में हमारा FRP में लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लून जीरो में FRP का फाइल है और पार्टीशन नंबर 6 पे इसका फाइल लगा हुआ है। तो ये सारे डिटेल्स में बताता है आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन डन लिख के आ गया, मतलब हमारा आईसी टोटली डिटेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकता है आपको, जैसे कि यहाँ पे ट्रिंकेट बता रहा है जो कि हमारा ओप्पो A5 2020 का इसका मॉडल है और एंड्रॉयड वर्जन 10.10 बता रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम सिंपली आएंगे टूल्स के अंदर। टूल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड टूल्स में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि एंड्रॉयड वाइप में आएंगे और एंड्रॉयड लॉक्स, जैसे कि यहाँ पे FRP लॉक करना है, अगर रिमूव करना है तो यहाँ से करेंगे। अगर किसी का वाइप करना है, स्क्रीन अनलॉक करना है विदाउट डाटा लॉस करना है या फुल डाटा इरेज करके करना है, तो आपको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ओप्पो रियलमी वीवो में आप देख सकते हैं मेरा ये ओप्पो का हैंडसेट है, तो जैसे कि मैं ओप्पो का यहाँ से करूँगा और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन आएगा कीप डाटा कीप मीडिया एंड एक आएगा फॉर्मेट डाटा। जैसे कि अगर मुझे किसी का गैलरी सेव नहीं करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट डाटा कर सकता हूँ या मुझे किसी का यहाँ पे मीडिया अगर बचाना है, जैसे कि फोटोज किसी के इम्पोर्टेंस होते हैं, किसी के वीडियोस होते हैं, बाकी आप कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं सेव कर सकते, ना किसी का कॉल लिस्ट वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट नहीं सेव कर सकते, ओनली यहाँ पे वीडियोज एंड फोटोज। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक कीप मीडिया पे क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे बता रहा है You really want to wipe? This is not safe. आपको इस तरह से अगर वार्निंग दे रहा है तो भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। तो यहाँ पे नॉट फाउंड स्किप, यहाँ पे देखो मिस इरेज कर दिया है, जैसे कि मेरा मिस के अंदर पैटर्न लॉक होता है। और यहाँ पे पारा जो के कॉलकम में मीडियाटेक में होता है पारा का और मिस होता है कॉलकम के अंदर, तो ये हमारा कॉलकम का सेट है तो इसने मिस के अंदर इरेज कर दिया। अगर हमारा ये मीडियाटेक का होता तो ये पारा को इरेज करता, तो यहाँ पे पारा फाउंड नहीं हुआ जो कि हमारा ये मीडियाटेक का नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेकेंड के अंदर ये कुछ टाइम के अंदर ही उसने डन कर दिया, मतलब एक सेकेंड भी नहीं हुआ उसके अंदर ही कुछ टाइमिंग के अंदर उसने ये इसको वाइप कर दिया। तो हम वापस अभी यहाँ पे अगर मुझे डाटा अगर बचाना है तो मैं यहाँ पे रिसेट FRP को क्लिक नहीं करूँगा। अगर आप यहाँ पे रिसेट कर लेते हैं तो फिर आपका डाटा भी चला जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे मेन में आ जाऊँगा और यहाँ से कर लेता हूँ क्लोज सेशन, क्योंकि जब भी आपको काम करने के बाद जब आपका डन हो जाता है तो आपको लास्ट में क्लोज सेशन करना इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया, हम यहाँ पे UFS निकाल के बोर्ड में फिक्स करेंगे और आपके सामने ऑन करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम UFS को रिमूव कर लेंगे और बोर्ड में फिक्स कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम UFS को रिमूव कर लेंगे और बोर्ड में फिक्स कर लेंगे। हमने आईसी लगा दिया है और यहाँ पे हम बोर्ड में फिक्स करके यहाँ पे चेक करेंगे ऑन करके हमारा फोन प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने बोर्ड में लगा दिया और एक बार यहाँ पे ऑन करके देखते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे ओप्पो का लोगो आ गया और इसके बाद यहाँ पे एक वाइपिंग का ऑप्शन आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइपिंग डाटा हो रहा है मेरा और इसके बाद हमारा फोन पूरी तरीके से बूट हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि करना क्या है। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये वीडियो
उस भाई के लिए है जो यहाँ पे आके सीखना चाहता है, जो मार्केट में नहीं आता उसको काम, जो हमारे स्टूडेंट है, ये उन लोगों के लिए ये वीडियो बना हुआ है, ना कि कोई टेक्नीशियन है जो कि सर हमें ऑलरेडी आता है कुछ बताइए नया, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। प्लीज वो ये वीडियो को स्किप करे, और जो भाई को नहीं आता है हमारे ये काम, जो हमारे यूट्यूब चैनल से देख के सीखना है, अगर कुछ सीख सकते हैं तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो करते हैं ऑलरेडी काम वो ये वीडियो ना देखे, और जो नहीं कर पाते, जिसको नहीं पता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो हमारे ये स्टूडेंट और हमारे जो भाई यहाँ पे नहीं आए, जो ऑलरेडी नहीं हमारे से स्टूडेंट नहीं है, वो लोग भी हमारा वीडियो देख के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट करेंगे, टाइमिंग थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद ये हमारा फोन ऑन होगा, इसके बाद हम आपको बताएंगे ऑन करके। तो जैसे कि वाइपिंग डन हो गया, अभी ये हमारा फिर से फर्स्ट लोगो आ गया, इसके बाद सेकेंड लोगो आने के बाद कुछ 5 मिनट या 6 मिनट का टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम जब बूट होता है अनलॉकिंग करने के बाद या फैक्ट्री रिसेट होने के बाद, तो उसको टाइम लगता है, मिनिमम 5 मिनट या 6 मिनट लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंड लोगो आ गया मेरा, सेकेंड लोगो आने के बाद ही आपका वेलकम स्क्रीन आएगा, उसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस होगा। तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि इसको टाइम लगेगा 5 मिनट्स का। जैसे कि मेरा वेलकम स्क्रीन आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिलेक्ट लैंग्वेज वगैरह करने का आ गया है, और यहाँ पे इमरजेंसी कॉल आ गया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे FRP को बाइपास कर लेता हूँ। जैसे कि FRP का कोड होता है *813#। जैसे कि मैं यहाँ कोड डालने के बाद मैं मेरा डायरेक्ट स्क्रीन पे बाईपास हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डायरेक्टली स्क्रीन पे आ गया। आपको कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं, ये ओप्पो एंड रियलमी के लिए कोड होता है, हर फोन में काम नहीं करेगा, और ऐसा नहीं है कि ओप्पो और रियलमी में भी लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहा है, ये ओनली 10 वर्जन तक या 11 वर्जन तक काम कर रहा है, 12 में ये काम नहीं करेगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये मेरा पूरी तरीके से अनलॉक हो गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली ट्रिक में बताया किस तरह आपको काम करना है, कैसे काम करना है। जैसे कि मेरा भी पूरी तरीके से ऑन हो गया, एक बार मैं गैलरी में देखता हूँ कुछ मुझे इसमें डाटा वगैरह अगर है तो यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि विदाउट डाटा लॉस मैंने आपको बताया कि इसमें ओनली गैलरी बचेगा, फोटोज एंड वीडियोस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस में 18 बता रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डाटा बच गया है। अभी ये और आने वाला है, क्योंकि ये अभी टाइम लगेगा, अभी यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोज में भी फोटोज आ गए हैं, जैसे कि डाटा मेरा यहाँ पे विदाउट डाटा लॉस अनलॉक हो गया है। ओप्पो का कोई भी लेटेस्ट फोन अगर आपके पास होगा, अगर किसी का डाटा बचाना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फोटोज अभी आ रहे हैं और आ रहे हैं, अभी ये हुआ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है, मिनिमम 2 मिनट्स या 3 मिनट्स लगेगा पूरा ये रिकवर होने के लिए, ठीक है, पूरा डाटा आ गया है इसमें। तो जैसे कि आप विदाउट डाटा लॉस भी किसी का डाटा बचाना है, अनलॉक करना है, तो सारे ट्रिक्स हम यहाँ बताते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें हमारे, ठीक है।